खबर राजधानी देहरादून से है, जहां उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रदेश में 4 मॉडल मदरसे बनवाने से संबंधित जानकारी दी है। बता दें कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि उत्तराखंड में शुरुआत में 4 मॉडल मदरसे बनाए जाएंगे, जिसमें पहला मदरसा जल्द ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से बनेगा और इन मदरसों में बच्चे उर्दू अरबी पढ़ाने के साथ साथ ही NCERT के पाठ्यक्रम भी पढ़ेंगे। इसके तहत ही उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक निदेशालय में वक्फ बोर्ड की बैठक में शिक्षा समिति की बैठक के प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, हमने कमिटमेंट किया था कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड भी अपने मदरसों को मॉडर्नाइज करने का काम करेगा। मदरसा एक अरबिक वर्ड है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में उसे स्कूल कहते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये विद्यालय विद्या के मंदिरों की तरह चलेंगे, जिसमें हम NCERT का सिलेबस लाने जा रहे हैं। मेरे बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलासफर बनकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने मदरसों का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पर रखा है।